हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और ECS T20 इटली लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा मार्को मिलानो वर्सेज फोर्नाकी के बीच में। भाई लोग, यहां पर हम लोग आज के मैच में ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाने वाले हैं, क्योंकि जितने भी बंदे यहां पर वॉच करके जाते हैं सभी बंदे यहां से अच्छे प्रॉफिट करके जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाते हैं तो आप ताबड़तोड़ यहां से विनिंग करके जाने वाले हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे सजेस्ट करना है, जो आपका CBC होगा वो कौन से खिलाड़ी होगा, किस खिलाड़ी को अपने टीम में परफेक्ट चूज कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं ऐसे 8 से 9 खिलाड़ी जो आपकी टीम में तो चलते हैं लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी नहीं चलता है, इसमें आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि आपको अपना टीम कैसे कम्पोजिशन करना है, पिच रिपोर्ट देखने के बाद आपको टीम अपना कैसे बनाना है। और हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी टीम में ऐसे लॉजिकल 5 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आपके लिए पंटर और वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। देखो भाई लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं सभी बंदे यहाँ से अच्छे प्रॉफिट करके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आ जाइए और फाइनल टीम के लिए वेट कीजिए। यहां पे आपको ताबड़तोड़ प्रॉफिट वाली विनिंग टीम मिलती है, आपको यहां पर हर टीम जो है वो विनिंग प्रूफ मिलती है, ठीक है भाई लोग। तो यहां पर आ जाइए टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आ जाइए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यहां पे आपको फाइनल टीम दिया जाएगा और साथ में जितने भी अपडेट होगी सभी अपडेट भी आपको यहां पर मिलेगा। चलिए अब बात कर ले आज के मैच के बारे में जो MAR वर्सेज FOR के बीच में खेला जाएगा। अब इसमें से हम बात करेंगे भाई लोग कि आज के मैच में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या कहता है, किसके हिसाब से आपको टीम में अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम वो देख लेते हैं। तो मैच जो खेला जाएगा वो एक ही जगह खेला जाएगा, ब्रेस्किया में ही खेला जाएगा, ठीक है भाई लोग। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर पिच देखेंगे तो वो बैलेंस पिच रहने वाला है और गुड फॉर पेसर के लिए काम करने वाला है, तो यहां पर खास करके ऑलराउंडर को ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इस पिच पर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेके आज के मैच में आप अपनी टीम में कैप्टन किसे सजेस्ट कर सकते हैं, कौन से खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में आज के मैच में आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर टोटल हम आपको 4 प्लेयर देंगे, 4 खिलाड़ी को अपनी टीम में यूज कैसे करना है वो देख लो। अब यहां पर हम आपको 4 खिलाड़ी दिए, इसमें से ए जावेद को और एम हुसैन को, इसे अपनी टीम में यूज करना है एज अ पंटर, एज अ पंटर को बाद में करेंगे लेकिन फिलहाल हम यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन यूज करेंगे, ठीक है भाई लोग। इस खिलाड़ी को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन इस्तेमाल कर लीजिएगा। और दूसरे टीम में आपको क्या करना है, ए भटको और यहां पर ए अब्दुल्ला को, इस खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। तो यहां पर टीम 1 और टीम 2 में आपको कॉम्बिनेशन कर लेना है इस तरह से। देखो भाई लोग, अगर आप जाके डाटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा जो 4 खिलाड़ी है इनका परफॉर्म देखेंगे, हाली परफॉर्म या फिर बाद का परफॉर्म, तो तगड़ा परफॉर्म रहा है ये आपको DT लगाकर देंगे, वो भी कैप्टन वाइस कैप्टन का, और हर मैच में आपको तगड़ा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं और इनका जो सिलेक्शन रहता है वो भी अच्छे रहते हैं और हर मैच में अच्छा परफॉर्म रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस 4 खिलाड़ी को अपनी टीम में आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर ले कि अब आपको अपनी टीम में यहां पर किस खिलाड़ी को एज अ पंटर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जो जाएंगे वो जाएंगे हाइयर सिलेक्शन की तरफ, लेकिन आपको ऐसे लॉजिकली कुछ खिलाड़ी को लेकर के चलना पड़ेगा जिस खिलाड़ी को अगर अपने टीम में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका टीम जो है वो बहुत ही परफेक्ट और गजब का बनने वाला है, क्योंकि सभी लोग हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ जाएंगे लेकिन आप अगर लोएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को लेकर चलते हैं तो फिर आपका टीम बहुत खतरनाक बनेगा। यहां पर हम आपको बताते हैं ऐसे लॉजिकल कुछ खिलाड़ी के बारे में जिस खिलाड़ी को अपने टीम में हर हाल में इस्तेमाल करना ही है, अगर उस खिलाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका टीम जो है वो बहुत अच्छा ताबड़तौर यहां पर आपको परफॉर्म करके देने वाला है। देखो यहां पर आप 4 खिलाड़ी को चाहे तो आप थोड़ा सा और खिलाड़ी को लेकर चल सकते हैं कुछ खिलाड़ी को, लेकिन हम आपको यहां पर बताते हैं 5 खिलाड़ी के बारे में। 5 खिलाड़ी को आप कैसे यूज करना है वो देख लो। 5 खिलाड़ी आपको दिया है, आप एम अमीन को और यहां पर एम अली को और एम अशरफ को, इस खिलाड़ी को अपने टीम में टीम 1 में इस्तेमाल कीजिएगा एज अ पंटर के लिए, ठीक है। टीम 2 में आपको क्या करना है, आप जाएंगे ए नदीम को और एम सौफ को, इस दोनों खिलाड़ी को अपने टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा। तो 5 खिलाड़ी आपका ये जो है ये पंटर के लिए काम कर जाएगा इस खिलाड़ी को, ठीक है। अब देखो भाई लोग, आपको क्या करना है, यहां पर आपको अगर 5 में से एक खिलाड़ी को ड्रॉप भी करते हैं तो आपको कम से कम तो 4 खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना ही पड़ेगा। 4 खिलाड़ी को अपने टीम में पंटर लेकर चलिएगा। हाईएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी आपको हमेशा रैंक 1 नहीं दिलाएंगे, वो खिलाड़ी जो होते हैं आपके रैंक को मेंटेन कर रखते हैं, और जो लोएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी थे वे आपकी टीम को मेंटेन करके लेते हैं और टॉप 10 में पहुंचाते हैं, टॉप 1 में पहुंचाते हैं। तो आपको ऐसे खिलाड़ी पर आपको जरूर भरोसा जताना चाहिए और लेकर चलना चाहिए। चलिए अब बात कर लेकर अब आपको आज के टीम में किस खिलाड़ी को अपने टीम में लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल हमने 6-5 का कॉम्बिनेशन करके चला हुआ है भाई लोग, जिसमें से आप विकेट कीपर में देखेंगे तो
जो एक विकेट कीपर आपको नजर आ रहे होंगे एम मुनीब, और बैटर में हमने यहाँ पर तीन बैटर का इस्तेमाल किया है, ए जावेद को और के साजात को और एम अली को फिलहाल हमने लेकर चला है। ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर चार ऑलराउंडर इस्तेमाल किया है, ए भट को, एम हुसैन को और एच कबीर को, एफ अहमद को हमने अपनी टीम में लिया है। बॉलर को हमने यहाँ पर तीन बॉलर इस्तेमाल किया हुआ है जिससे ए अब्दुल्ला, एज अफजल और यहाँ पर डी आदिल मेरी टीम में होने वाले हैं। अब देखो भाई लोग, यहाँ पर कैप्टन हमने ए भट को बनाया और एम हुसैन को वाइस कैप्टन बनाया है। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।